ये देखिए गाइस, ये है इसका ओरिजिनल वाइब्रेशन। एसी ऑन करने के बाद वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है। ये देखिए, इसका जगह अगर हम लोग का स्कॉर्पियो होता तो उसका गियर पूरा एकदम हिलता से एक होता ऐसे। हाय गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो आ चुके हैं फिलहाल और एक किया सोनेट को लेकर एक नया वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं। सो आज का वीडियो में गाइस हम लोग करने वाले हैं किया सोनेट 1.2 पेट्रोल मैनुअल का वाइब्रेशन टेस्ट। ये वाला मॉडल है HT का प्लस और इसमें इंजन आता है 1.2 लीटर का 1200cc का मैनुअल है ये वाला। सो आज हम लोग फाइनली करने वाले हैं इसका वाइब्रेशन टेस्ट, क्योंकि आप लोग का कमेंट सेक्शन में ऐसा बहुत सा रिक्वेस्ट आया था कि इसका वाइब्रेशन टेस्ट करने के लिए ये वाला इंजन में हम लोग को कितना ज्यादा वाइब्रेशन मिलता है। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस का बात करूं, वाइब्रेशन तो एकदम से नहीं है, पूरा एकदम गाड़ी एकदम साइलेंट रहता है, एकदम स्मूथ। बहुत बार मेरे से भी गलती हो जाता है, मतलब मैं समझ नहीं पाता जब मैं अंदर बैठा हुआ रहता तब, मतलब मेरे से भी ऐसा गलती हो जाता है कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है, इतना ज्यादा साइलेंट इसका इंजन है। सो बहुत ऐसा भी बोल सकते हैं आपका गाड़ी, इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं। सो इसीलिए मैं आज आपको ऑन कैमरा में दिखा दूंगा कि इसमें कितना ज्यादा वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो वीडियो गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, देखते रहिए एंड तक। हमारे चैनल पर नया तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वाइब्रेशन टेस्ट के लिए हमको चाहिए एक ऐसा प्लास्टिक का ग्लास और इसमें हम लोग भर देते हैं पूरा पानी। इसमें हम लोग पानी भर देते हैं, इसमें हम लोग भर दिए पानी। ये देख सकते हैं आप लोग, इतना पूरा पानी है। सो अब इससे हम लोग को पता लगेगा कि गाड़ी में कितना ज्यादा वाइब्रेशन है। वो कैसे, वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन 1200cc का। अब मैं क्या करूंगा, इसके इधर मैं ग्लास को रख दूंगा और फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा। और इसका जो बोनट केबल हुड है ना, काफी ज्यादा हेवी है, एक हाथ से मतलब उठता भी नहीं, इतना ज्यादा हेवी है ये वाला। इसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे और ग्लास को हम लोग इधर लाते हैं। तो ग्लास हमारा उधर है, चलिए ग्लास को इधर लेकर जाते हैं। इतना पानी है, पानी एक बार दिखा दो, ये देख सकते इतना पानी है। अब हम लोग ग्लास को सिंपली इधर हम लोग रख देंगे, इधर रख दिए। अब पापा को बोलूंगा गाड़ी के अंदर बैठने के लिए और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इंजन को हल्का सा मैं पापा को बोलूंगा आप रेव कीजिए, थोड़ा सा RPM आप हाई कीजिए, फिर देखेंगे RPM हाई करने के बाद इसमें वाइब्रेशन देखने को मिलता है या नहीं। देन उसके बाद मैं पापा को बोलूंगा कि आप AC ऑन कर दीजिए। देन AC ऑन करने के बाद मैं पापा को सेम यही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा एक्सेलरेट कीजिए इंजन को, थोड़ा सा RPM सब कुछ हाई कीजिए। उसके बाद देखेंगे AC ऑन करने के बाद कितना ज्यादा वाइब्रेशन में डिफरेंस आता है। सो चलिए पापा को लाते हैं, पापा को बोलते हैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं पापा गाड़ी के अंदर। अब मैं इनको बोलता हूँ स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट कीजिए गाड़ी को। अब देखिए आप वाइब्रेशन, ये देखिए गाइस, ये है इसका ओरिजिनल वाइब्रेशन, देख सकते हैं पूरा गाड़ी अभी स्टार्ट है एकदम। और देखिए एकदम ना के बराबर आपको वाइब्रेशन वो देखने को मिलेगा, एकदम ना के बराबर, मतलब हल्का सा वाइब्रेशन तो है। यहीं पे अगर मेरा स्कॉर्पियो या फिर एक्सेंट रहता ना तो ग्लास और भी ज्यादा पूरा सेक करता। स्कॉर्पियो में तो आप पूछिए मैं इतना तो सेक करता है, एक जगह पर रहता ही नहीं। अब आप लोग देख सकते हैं ये मतलब एक जगह पर ही है, तो थोड़ा सा भी नहीं हिलाइए। अगर मैं पानी को दिखाऊं तो पानी में इतना था वाइब्रेशन है। अब आप थोड़ा RPM बढ़ाइए, कीजिए कीजिए, ये देख सकते हैं अब इतना ज्यादा आपको वाइब्रेशन सुनने को मिलेगा। तो देखिए सो गाइस, तो ये है इसका विदाउट AC। अब AC ऑन कर लीजिए, अब देखते हैं AC ऑन होने के बाद कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये आप लोग सुन सकते हैं AC ऑन हो चुका है। AC ऑन होने के बाद हल्का सा वाइब्रेशन का ही बढ़ गया है, ये देख सकते हैं ऑन कैमरा में आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं हल्का सा वाइब्रेशन का ही बढ़ गया है। ये देखिए शायद आप लोग पूरा समझ में आ रहा है, ये देख सकते हैं बिना AC का वाइब्रेशन थोड़ा कम था, जब मैं AC ऑन करने को बोला तो ये वाला थोड़ा बढ़ गया वाइब्रेशन का वाला। एक्सेलरेट कीजिए आप, ये देख सकते हैं गाइस कितना ज्यादा वाइब्रेशन आप लोग को देखने को मिलता है किया सोनेट 1.2 पेट्रोल मैनुअल के अंदर। ये देखिए अब मैं पापा को बोल देता हूँ गाड़ी ऑफ कर देने के लिए, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा दिखा दिया ऑन कैमरा कितना ज्यादा आपको वाइब्रेशन देखने को मिलता है। और एक बार आप लोग देख लीजिए AC के साथ इतना आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। अब मैं एक बार बोल देता हूँ AC ऑफ करने के लिए, AC ऑफ कर दो। तो पापा अभी AC ऑफ कर दिए, अभी आप देख सकते हैं वाइब्रेशन केवल हल्का सा कम हो गया। ये देखिए ऐसा ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो अगर नॉर्मल में आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ ऐसा वाइब्रेशन रहता है,
कि आप लोग कैसा गाइस, बहुत सारा ऐसा रिक्वेस्ट आया तो तभी जाकर मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देते हैं कि आपको आप लोग की क्या चीज़ का वीडियो चाहिए, तो मैं वो वाला देखता हूँ और मैं आप लोग का रिक्वेस्ट के अनुसार मैं वीडियो ला देता हूँ। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बोलिए, अगर वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये वाला ग्लास को अंदर डैशबोर्ड में रख दूंगा, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि डैशबोर्ड के अंदर कितना था वाइब्रेशन आप लोग को फील होता है, या फिर इंजन नॉइस जो भी वो आपको गाड़ी के इंटीरियर में आता है, यानी जो इंजन इसका इंजन नॉइस है। तो चलिए वाला फिलहाल ग्लास को हम लोग लेकर चलते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड में, उधर भी मैं आपको सेम दिखाऊंगा। एक बार तो मैं नॉर्मल में दिखाऊंगा, उसके बाद मैं एसी ऑन कर दूंगा, फिर आप देखिए कितना मतलब डिफरेंस आता है। तो चलिए वाला ग्लास को फाइनल ले चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो गाइस चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, सेकंड अब बैठते हैं, ग्लास दो। अब ग्लास को हम लोग रख देते हैं कुछ ऐसा जगह पे, ये देख सकते हैं इधर हम लोग ग्लास को रख दिए। अब मैं सेल्फ मारूंगा, फिर आप देखिए कितना ज्यादा इसमें वाइब्रेशन होता है। अभी मैं विदाउट एसी का मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं मैं ग्लास इधर रख दिया, अब मैं सेल्फ मारता हूँ, सेकंड आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं सेल्फ मारूंगा अभी। चलिए गाइस अब मैं सेल्फ मारता हूँ, ये देख सकते हैं गाड़ी हो चुका है स्टार्ट, मतलब एकदम वाइब्रेशन नहीं है। हम लोग जो गाड़ी में हिल रहे उसके उस मतलब उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है बस वही है, बाकी एकदम से वाइब्रेशन नहीं है। मैं अभी स्टार्ट किया गाड़ी कुछ भी नहीं, एकदम जीरो का मतलब जीरो मानिए, एकदम हल्का सा हिल रहा है देख सकते हैं, एकदम नाक के बराबर जिसको बोलते हैं वैसा वैसा वाइब्रेशन है इसमें। अपन थोड़ा सा इंजन को मैं रेव करता हूं, इधर दिखा एक फोन दो हमको, ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बहुत कोई बोल भी सकते हैं कि आप गाड़ी स्टार्ट नहीं किया, सो ये देख सकते हैं गाड़ी इधर स्टार्ट है आरपीएम का यहाँ पे देख सकते हैं। सो अब मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, अब आप देखिए मैं अगर आरपीएम बढ़ाता हूँ तो कितना वाइब्रेशन होता है, ये देखो कुछ भी नहीं एकदम हल्का सा वाइब्रेशन है ये देखो। और मैं आरपीएम का आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं 2000 आरपीएम 3000 तक मैं ले लेकर के गया, लेकिन एकदम गाड़ी ऐसा ऐसा एकदम वाला ग्लास में कुछ भी ज्यादा वाइब्रेशन नहीं हो रहा, एकदम नॉर्मल। मैं तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ गाइस, किया ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रखा है वाला इंजन के साथ फुल रिफाइनमेंट। और ये बारिश आने वाला शायद आप लोग देख सकते हैं फटाफट वाला वीडियो को हम लोग को बनाना पड़ेगा, ये देखिए और एक बार 2000 तक है देखिए, अभी तो कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है एकदम हल्का सा। अब मैं क्या करूँ गाइस, एसी को ऑन कर देता हूँ, शायद आप लोग सुन सकते हैं एसी हो चुका हम लोग का ऑन, अब देखिए वाइब्रेशन में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है, एकदम हल्का सा डिफरेंस ये देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा इंजन को मैं रेव करता हूँ आप लोगों के सामने, ये देखिए आरपीएम मीटर है 2000 तक मैं लेकर के गया, एकदम हल्का सा वाइब्रेशन आप लोगों को देखने को मिलता है गाइस। और एसी भी ऑन है, अभी एसी एकदम लो पे किया हुआ है, ये देखिए एकदम लो पे एसी है, आरपीएम मेरा अभी 1500 के आसपास है, लेकिन ये देख सकते हैं एकदम इतना कम वाइब्रेशन है। और एसी जो इसका है ना एकदम चिल है, बाहर पूरा एकदम गर्मी हो रहा है, एसी ऑन के तुरंत गाड़ी एकदम ठंडा होना चालू कर दिया, बहुत ज्यादा एकदम एसी भी काफी ज्यादा अच्छा है। और बहुत को ऐसा भी सोच सकते हैं कि मेरा गाड़ी इसलिए मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन गाइस वैसा कुछ नहीं है, जो है मैं आप लोग को वही बता रहा हूँ। और ये देख सकते हैं ऐसा पूरा वाइब्रेशन मिलता है, एसी ऑन करने के बाद वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है, ये देखिए शायद आप लोग ग्लास में समझ में आ रहे हैं, अभी एसी ऑन है तो इसलिए वाइब्रेशन बढ़ गया है। अब मैं आपको एक बार दिखाऊंगा गियर नॉब में इसका कितना ज्यादा वाइब्रेशन होता है जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो स्कॉर्पियो है उसमें जब मैं स्टार्ट करता हूँ पूरा गियर एकदम ऐसा ऐसा करके हिलना लगता है, एकदम शेक करता है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इसमें इसका गियर में कितना ज्यादा वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता है। सो चलिए अभी एक कॉइन लाते हैं, कॉइन किधर रखते हैं फिर देखते हैं कि इसमें कितना ज्यादा वाइब्रेशन है। सो गाइस जैसा कि मैं आप लोग को दिखा दिया कि इसका डैशबोर्ड में उतना कुछ वाइब्रेशन नहीं आता, सो अब हम लोग जो नेक्स्ट टेस्ट है वो हम लोग करेंगे, इसका जो देख सकते हैं इसका जो गियर का जो लीवर है तो इसमें हम लोग रख देंगे एक कॉइन, ये देख सकते हैं 10 रुपया का एक कॉइन है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा जगह पर रख देंगे, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये वाला गिरता है या नहीं, क्योंकि हम लोग का जो स्कॉर्पियो है तो वो जब हम लोग सेल्फ मारते हैं तो पूरा गियर लीवर एकदम हिलना चालू कर देता है। सो इसमें देखेंगे कि इसमें कितना ज्यादा वाइब्रेशन आता है। सो आप लोग देखिए मैं सेल्फ मारता हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखते रहे आप लोग ये वाला कितना ज्यादा हिलता है, मैं इधर सेल्फ मारता हूँ, सेल्फ मारता हूँ, मतलब गाइस कुछ भी इसको फर्क नहीं पड़ा, 1% भी नहीं हिला, मतलब लग ही नहीं रहा कि वाला गियर के साथ हम लोग ऐसा दिया हुआ। एक बार थोड़ा सा इंजन को मैं रेव करता हूँ, आप लोग हेडफोन यूज कीजिएगा तब आपको पूरा इंजन का वाला नॉइस भी आप लोग को फील होगा, देख सकते हैं आप, देखिए फिर भी बिल्कुल 0% फर्क पड़ रहा है इसको 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा, इतना ज्यादा ये वाला एकदम स्मूथ है। अब मैं वापस से एक बार गाड़ी को ऑफ कर देता हूँ, गाड़ी ऑफ हो गया, अब मैं फिर से आप लोगों के सामने स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, अब मैं क्लच को प्रेस करके मैं
सेल्फ मार दिया फिर से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ये वाला इतना ज्यादा, मेरा एकदम दिल खुश हो गया गाइस। मतलब मेरा गाड़ी इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो है मैं आपको बस वही दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद देखिए ये वाला एकदम से नहीं लाई। और मैं बहुत जल्दी मेरा स्कॉर्पियो का वाइब्रेशन टेस्ट भी लाऊंगा, उसमें आप लोग देखिएगा कि वो वाला कितना ज्यादा सेक करता है। यहाँ तक कि अगर आप विटारा ब्रेजा देखेंगे या फिर फोर्ड इकोस्पोर्ट देखेंगे तो उसका गियर लीवर भी मतलब सेक करता है स्टार्ट करने के टाइम, लेकिन इसका 1% भी सेक नहीं किया, इतना ज्यादा पूरा अच्छा है। तो आप लोगों को पूरा दिखा दिया वाला गाड़ी कैसा है, और मैं एसी ऑन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तेरा एसी हम लोग ऑन हो चुका है, अब एक बार मैं इंजन को रेप करके मैं दिखाता हूँ कि ये वाला हिलेगा या नहीं। देखिए मैं ये वाला प्रेस कर रहा हूँ एक्सीलेटर, आरपीएम देखिए, अब देखिए 0% फर्क पड़ रहा है गाइस, इसको जीपीएम 0% इसको फर्क पड़ रहा है, देखिए एकदम बहुत ही ज़्यादा, मेरा एकदम दिल खुश हो गया गाइस। तो आप लोग का कैसा लगे वाला वीडियो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बोलिएगा। आप मैं आपको बाहर से इसका इंजन नॉइज सुना देता हूँ एसी ऑन रहने के बाद, एसी ऑन होने का इसका इंजन नॉइज कितना रहता है। चलिए हेडफोन यूज़ कीजिए आप लोग, और भी अच्छा समझ में आएगा। तो कुछ ऐसा आप लोग को इंजन नॉइज इसको देखने को मिलता है किया सोनेट 1.2 एचटी के प्लस पेट्रोल मैनुअल में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। सो गाइस बस यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है। सो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे इस चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोगों का किया सोनेट से रिलेटेड क्या वीडियो चाहिए आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बोलेगा, मैं ट्राई करूंगा वो वीडियो लाने के लिए। तो फिर मिलते हैं और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आज के वीडियो को बस यही एंड करते हैं। सो बाय फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय। Why do I, baby, why do I love the touch with you?